आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, मेरा नाम सुधांशु शर्मा है, मैं गौतम बुद्ध नगर में रहता हूँ और इस पेंडेमिक सिचुएशन में मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। हम लोग इस समय एक वॉर लाइक सिचुएशन से गुजर रहे हैं और एक कॉमन मैन इस समय कितना स्ट्रगल कर रहा है, अपने सर्वाइवल को लेकर कितना स्ट्रगल कर रहा है, ये मैंने पिछले कुछ दिनों में बड़ी करीबी से देखा है। आप लोगों ने पब्लिक के लिए बहुत सारे अरेंजमेंट किए हैं और आप कर रहे हैं, मुझे पता है यू आर वर्किंग टायरलेसली डे एंड नाइट, और आप ही नहीं इसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर्स हैं हमारे और स्टेट्स के, वो भी सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को ऑक्सीजन, मेडिसिन, बेड्स इन हॉस्पिटल्स, ये चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। और ये चीज़ें जो हमारे यहाँ नहीं मिल पा रही हैं, हमें सबसे पहले सोचना चाहिए कि क्यों नहीं मिल रही, इसका रूट कॉज क्या है, क्योंकि जब तक हम इसके रूट कॉज को नहीं समझेंगे हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आपको पता नहीं है कि इसके रूट कॉज क्या हैं, लेकिन जो मेरी नज़र में है वो मैं थोड़ा सा आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है करप्शन। हमारे यहाँ ऑक्सीजन भी अवेलेबल है, बेड्स भी हैं, मेडिसिंस भी हैं, डॉक्टर्स भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका बेनिफिट पब्लिक को नहीं मिल रहा। पब्लिक बुरी तरीके से संघर्ष कर रही है और लोग मर रहे हैं, बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी पैथेटिक सिचुएशन और इसके लिए जल्दी से जल्दी कुछ किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देखें कि ये करप्शन जो है, ये इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। अगर हम रामायण की बात करें तो जब भगवान राम को ये पता चला कि पब्लिक में एक रिजेंटमेंट है सीता जी को लेकर, माता सीता को लेकर, कि सीता जी का अपहरण रावण ने किया था और उसके बाद जब रावण का वध करके रामचंद्र जी सीता जी को ले आए, तो हालांकि उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी, लेकिन हम सब जानते हैं कि पब्लिक में एक रिजेंटमेंट थी इसको लेकर। और जब रामचंद्र जी को ये पता चला तो वो खुद कॉमन मैन बनकर गए पब्लिक के बीच में और उन्होंने देखा कि हाँ, पब्लिक में इस तरह की फीलिंग है। आय की स्टोरी हम सब जानते हैं। मेरा सिर्फ कहने का आशय ये है कि जो पॉलिसी ये रामचंद्र जी ने अपनाई थी, ये हमेशा हर युग में हर काल में वैलिड है। मुझे लगता है आप अगर अपने ऑफिसर्स को, ऑनेस्ट ऑफिसर्स को, एक कॉमन मैन बनाकर पब्लिक के बीच में भेजें और वो जैसे हम फ़ोन कर रहे हैं ऑक्सीजन के लिए या बेड के लिए या मेडिसिन के लिए, वो भी इसी तरह से इन लोगों को अप्रोच करें जिन्होंने इसकी होर्डिंग कर रखी है और वो उसकी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जिसकी कॉस्ट हार्डली 40,000-50,000 होती है, वो आज 1.5 लाख-2 लाख रुपए का मिल रहा है, लेकिन मिल तो रहा है। मिल क्यों रहा है? क्योंकि लोगों ने उसको अपने घर में छुपा रखा है या कहीं छुपा रखे हैं बहुत सारे लेकर ऐसी ऑक्सीजन सिलेंडर। इतनी धोखाधड़ी हो रही है, और ये सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर और मेडिसिन या बेड्स को लेकर नहीं है, हर चीज़, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़, चाहे वो एक नींबू है या वो हॉस्पिटल्स के बेड्स हैं, वेंटिलेटर बेड्स हैं, हर चीज़ को लेके ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। और मुझे लगता है कि हमें सबको प्रॉब्लम तो पता ही है, लेकिन बात यह है कि हम सोल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि इससे बढ़िया इसका सोल्यूशन नहीं है कि कॉमन मैन की तरह आपके ऑफिसर्स अप्रोच करें लोगों को और फिर इन ब्लैक शीट्स को पकड़ें। इससे बहुत ही जल्दी रिजल्ट आएगा मुझे ऐसा लगता है। नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन बिहार के एक सज्जन हैं जो ऐसा करते भी हैं, उनके कई वीडियोस यूट्यूब पर पड़े हुए हैं। करप्शन को हैंडल करने का इससे अच्छा तरीका नहीं है, आप चाहे कितने भी कंप्लेंट पोर्टल, ग्रीवेंस पोर्टल बना दीजिए, पहले तो ऐसे लोग कितने हैं जो कंप्लेंट करेंगे, फिर वो कितनी कंप्लेंट सुनी जाएंगी और उन कंप्लेंट्स पर कब जाकर एक्शन होगा। तब तक तो हमारे देश की आधी पॉपुलेशन जो है वो मर चुकी होगी। तो एक पॉइंट तो ये था करप्शन का कि उसको हम, करप्शन है और उसको हम हैंडल करें। ये करप्शन एक भस्मासुर की तरह है, हर चीज़ अरेंज की जा रही है, दूसरे कंट्रीज से भी हेल्प हमें दी जा रही है, लेकिन वो कॉमन मैन तक तो नहीं पहुंच रही ना। अब अगर आप उसे सेंट्रलाइज रखते हैं और अपने एंड पे उसको कंट्रोल करते हैं तो वो भी मुश्किल है। इतनी हमारी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है,
अफर्ट किए जा रहे हैं, लेकिन उसके फास्ट रिजल्ट आए ये नहीं हो पा रहा बिकॉज ऑफ दिस करप्शन। तो मेरे ख्याल से करप्शन के लिए ये मेथड अडॉप्ट किया जाना चाहिए, एटलीस्ट फॉर 10, 15, 20 डेज और अ मंथ इट शुड बी ट्राइड। दूसरा, इस पेंडेमिक सिचुएशन से फाइट करने का जो स्टेप है वो है लॉकडाउन। लास्ट टाइम हमने देखा कि नेशन वाइज लॉकडाउन हुआ था और उसके रिजल्ट भी आए थे, क्योंकि वो टाइमली कर दिया गया था तो केसेस हमारे इतने नहीं बढ़े थे। मैं समझता हूँ इस बार का जो स्ट्रेन है वो ज़्यादा कंटेजियस है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है, लोगों को बहुत तेज़ी से अफेक्ट कर रहा है, और कहीं ना कहीं लॉकडाउन को लेकर भी एक डाइसी सिचुएशन है कि लॉकडाउन किया जाए या ना किया जाए। अगर पहली बात तो ये कि कम से कम 1 महीने का एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होना चाहिए, और अगर जो भी इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं उसकी वजह से नहीं किया जा रहा, तो इसकी एक ऑल्टरनेट अप्रोच हम ये सोचें कि हम किस तरह से रोड पर फुटफॉल को मिनिमम करें। मिनिमम नंबर ऑफ पीपल शुड कम ऑन द रोड, चाहे वो अपने ऑफिस जाना चाहते हैं, चाहे वो मार्केट से कुछ परचेज करना चाहते हैं, लेकिन किसी भी तरह से हम ये सोचें कि किस तरह से मिनिमम लोगों को रोड पर, मैक्सिमम मतलब मिनिमम लोग ही रोड पर आए, मैक्सिमम लोग ना आए। इसके लिए हम ऑर्गेनाइजेशन, जैसे जो भी नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, और हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम ये सोच सकते हैं कि किस तरह से लोग वर्क फ्रॉम होम करें, मैक्सिमम वर्क फ्रॉम होम करें। जैसे अगर हम एजुकेशन की बात करें तो लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। अब इसमें लोग अपने ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस अर्बन एरिया में तो स्टूडेंट्स अटेंड कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, इंटरनेट कनेक्शन है, लेकिन रूरल एरिया में नहीं कर पा रहे हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि हम वीडियोज़ अपने रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसके बाद में उसको दूरदर्शन पर टेलीकास्ट कर सकते हैं। अब वो दूरदर्शन पे अवेलेबल हैं, दूरदर्शन तो मैं समझता हूँ हमारे देश के हर गांव गांव में है। अगर हम ये कहें कि लोगों के घर में टीवी नहीं है, वैसे तो सबके घर में टीवी है, अगर नहीं भी है तो उस गांव में प्रधान है, उसके घर में तो टीवी है ना, तो वो अपने घर के बाहर एक टीवी रख दे, बच्चों को थोड़ा दूर दूर बिठा दें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, एक क्लास के बच्चे एक साथ अटेंड कर लें, दूसरी क्लास के बच्चे फिर अटेंड कर लेंगे। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारे देश में प्रधान ही नहीं है या प्रधान के घर में टीवी नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना। तो अगर हम सोचें इस तरह से, हम हर इंडस्ट्री के बारे में सोचें कि अगर बैंकिंग सेक्टर है तो उसमें कैसे मैक्सिमम वर्क फ्रॉम होम किया जा सकता है। हमारे पास इतने बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और ये सोचें कि हर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क फ्रॉम होम कैसे किया जा सकता है, और हम ऑर्गेनाइजेशन को बोलें कि आपको ये वर्क फ्रॉम होम करवाना है। इसको ऑर्गेनाइजेशन पे मत छोड़िए, आप उस कमेटी से डिफरेंट कमेटीज फॉर्म कर सकते हैं, आप उनसे कहिए कि वो इसके प्रोसेस इसका तैयार करें कि वर्क फ्रॉम होम कैसे कराया जाएगा, और उसके बाद में सब लोग उसको इम्प्लीमेंट करें। अब ये तो चीज़ मैंने बोली एजुकेशन के बारे में, ऐसे हर इंडस्ट्री के बारे में किया जा सकता है। अब इसमें लोग अपने आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, क्योंकि ज्ञानी तो हमारे यहाँ बहुत है, कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कैसे करेंगे, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कैसे करेंगे जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो ये सोचने वाली बात है कि अगर ये 50% पॉपुलेशन हमारी 50-60 मर जाएगी इस तरीके से बिना ऑक्सीजन के, तो कार्स कौन खरीदेगा? आप अगर पॉपुलेशन रहेगी तब तो लोग कार खरीदेंगे, ठीक है, तो वो तो सेल आपकी वैसे भी डाउन होनी है। तो कम से कम अगर जहाँ पर ये चीज़ वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल नहीं है, वहाँ कुछ दिन के लिए शटडाउन कर दीजिए, जान से ज़्यादा तो कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी आप ही ने कहा था कि जान है तो जान है, हालांकि उसके बाद में और भी बहुत सारी चीज़ें आई, लेकिन फिर भी आज हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि अगर इंसान ही नहीं है तो हम बाकी की सारी चीज़ों को क्या करेंगे, पहले तो इंसान होना ज़रूरी है। इसके अलावा अब जैसे ये तो एक सर्विस इंडस्ट्री की मैंने बात कर दी, बैंक की हो या एजुकेशन की हो, अब हम बात करते हैं कि लोग अपने असेंशियल्स चीज़ें परचेज करने के लिए मार्केट जा रहे हैं, चाहे वो ग्रॉसरी है, राशन का सामान है, या सब्जी है, या दूध है, या वो मेडिसिन हैं। तो इसमें भी ये किया जा सकता है कि जितने भी हमारे यहाँ शॉप्स हैं वो मेडिसिन की हैं या ग्रॉसरी की हैं या वेजिटेबल्स की हैं, वो किसी भी तरह से अपना फ़ोन नंबर सर्कुलेट करें सिटी में, जहाँ भी वो हैं, सिटी में, रूरल एरिया में, चाहे वो पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करें, कुछ भी करें, वो किसी तरह से अपना एक नंबर सर्कुलेट करें और एक पॉलिसी बनाई जाए कि 8 to 12
आप फोन करके उस शॉप पर अपना ऑर्डर नोट डाउन करवा दीजिए, लिखवा दीजिए, मुझे ग्रॉसरी चाहिए, मैंने वो ऑर्डर लिखवा दिया अपना 8 to 12 के बीच में, आज 12 PM 12 noon के बाद कोई ऑर्डर भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद 12 से लेकर रात में 8 बजे तक वो अपने पास एक या दो डिलीवरी बॉय रखे, जो कि सब घरों में जो भी ऑर्डर्स 12 बजे तक रिसीव हुए हैं उनको डिलीवर करके आए। मेरा ये कहना है कि अगर मान लीजिए एक शॉप पर, ग्रॉसरी शॉप पर दिन में 100 कस्टमर्स आते हैं और वो ना आकर अपना ऑर्डर उसके पास लिखवा दें, और वो ग्रॉसरी शॉप ओनर जो है वो दो डिलीवरी बॉयज़ को रखे, और एक डिलीवरी बॉय मुझे लगता है 12 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक 50 डिलीवरी कर सकता है, लोकल एरिया में करनी है। तो ये जो 100 फैमिलीज या 100 फैमिलीज में से अगर एक एक बंदा भी लगाए हम उसकी शॉप पे आते तो 100 लोग आते, ये सारा काम दो ही लोगों ने कर दिया, तो कम से कम ये 98 लोग रोड पे तो नहीं आए। तो ये तो असेंशियल चीज़ों के बारे में हम कर सकते हैं। अब नॉन असेंशियल चीज़ों के बारे में, जैसे अब एक चीज़ है वो किसी के लिए असेंशियल हो सकती है, किसी के लिए नॉन असेंशियल हो सकती है। जैसे मैं एक बिल्कुल ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, ओके है लिकर। लिकर की शॉप जब ओपन होती है तो उस पर जो रश होते हैं, ये हमने पहले लॉकडाउन में भी देखा था, लास्ट ईयर भी, वो मेडिसिन की शॉप से ज़्यादा लंबी क्यूज़ होती हैं, और ना वहाँ कोई सोशल डिस्टेंसिंग हो पाती है, कोई कोई नॉर्म फॉलो नहीं हो पाता। तो हम उसके लिए भी ये कर सकते हैं कि भाई जिसको भी लेकर चाहिए वो 8 to 12 के बीच में ऑर्डर प्लेस करें। मैं समझता हूँ एक सिटी में कितनी 5 10 लिकर शॉप्स होती होंगी, अगर 10 लिकर शॉप्स भी हैं और 1000 लोग उस पर अपना ऑर्डर प्लेस कर देते हैं तो दोपहर के 12 बजे के बाद वो डिलीवरी कर सकता, तो कम से कम इतने सारे लोगों को हमने रोड पर आने से तो रोक दिया ना। अगर आप किसी भी चीज़ को, मतलब ये असेंशियल आइटम्स के अलावा बाकी सबको बंद कर देते हैं तो फिर हम वही कहते हैं कि इकोनॉमी को लॉस हो रहा है, लोगों को लॉस हो रहा है, तो हम इसको भी मैनेज कर सकते हैं अगर हम इस डायरेक्शन में सोचें, क्योंकि हम सब जानते हैं वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे। अगर हम इस डायरेक्शन में सोचें, अच्छे बुद्धिमान लोगों की कमेटी बनाएं और उनसे कहें कि इस डायरेक्शन में सोचना है, पहला करप्शन, दूसरा इधर लॉकडाउन और मिनिमम फुटफॉल और मैक्सिमम वर्क फ्रॉम होम, अगर हम इस टारगेट के साथ सोचें तो मैं समझता हूँ ज़रूर हमारे पास ऐसे तरीके निकलेंगे, ऐसे वे आउट बनेंगे कि जिनसे हम इस पेंडेमिक सिचुएशन को बहुत हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। ये मेरी रिक्वेस्ट तो प्रधानमंत्री जी से और योगी जी से है, योगी जी से इसलिए है क्योंकि मैं गौतम बुद्ध नगर में रहता हूँ, ये यूपी में आता है। ये रिक्वेस्ट मैं और चीफ मिनिस्टर से भी करूँगा और सब नेताओं से करूँगा, मैं उन पार्टी से भी करूँगा जो कि इस समय पावर में नहीं है। हम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो कल को पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, ये उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पब्लिक को सर्व करने की। एक कॉमन मैन भी आजकल लोग तरह तरह से लोगों को अपने साथ यूनाइट करके फंड रेज कर रहे हैं, गुरुद्वारे में ऑक्सीजन की सप्लाई की, ऑक्सीजन वो लोग लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। हर आदमी अपने एंड पे जो करना चाहता है पब्लिक की भलाई वो कर रहा है, तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी ये कर सकती हैं जो पावर में नहीं है। मैं तो उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग आज पावर में नहीं है तो ऐसा तो है नहीं आप कल पावर में नहीं आएंगे, या आप आना नहीं चाहते हैं, आप तो आना चाहते हैं, तो अगर आप पब्लिक की सेवा करेंगे तभी आप पावर में आ पाएंगे। सिर्फ टीवी के डिबेट से या गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने से, शाम को 6 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक हम देखते हैं टीवी डिबेट्स जिसमें कि लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं किसी पार्टी के फेवर में या किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सब पब्लिक को सर्व करिए, फंड रेज करिए, उनके लिए ऑक्सीजन का बेड का अरेंजमेंट करिए, उन्हें काम करके दिखाइए, उनके हेल्प करिए। और ये गारंटी है कि अगर आपने किसी एक फैमिली को ऐसी हेल्प कर दी कि जिसके घर के फैमिली मेम्बर्स आज स्ट्रगल कर रहे हैं, बिल्कुल डेथ बेड पे आ चुके हैं, अगर आपने उसके लिए ऑक्सीजन मेडिसिन कोई भी चीज़ अरेंज कर दी तो वो पूरी लाइफ, वो उसकी पूरी फैमिली, उसका पूरा लोकेलिटी, पूरी ज़िंदगी आपको वोट देगी। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है लोगों की सेवा करने की, लोगों की सेवा करिए। बस मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता था सबसे, सारी पॉलिटिकल पार्टी से, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, सबसे ये रिक्वेस्ट है कि किसी तरह इस करप्शन के भस्मासुर को रोकिए और इन लोगों को सख्त से सख्त सजा दीजिए, ताकि ये एक ऐसा एग्जाम्पल बन सके कि लोग हमारे यहाँ ऐसे टाइम में जिसमें कि लोग मर रहे हैं,
उसमें भी वो लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ऐसे टाइम में डर है लोग कि हम कुछ भी करेंगे, करप्शन नहीं करेंगे। ऐसे एग्जाम्पल सेट हो। धन्यवाद।